अल्लाह वबरकातु। आज हम लोगों ने टारगेट किया है कोलकाता का SSEM हॉस्पिटल, जहाँ पे 500 से 600 लोग, लगभग 500 से 600 लोग बाहर बाहर से आए हुए, फंसे भी हुए हैं, अपने पेशेंट का इलाज करवाने आए हुए थे। जो लोग फंसे हैं यहाँ पे, उनको भी खाने का कुछ नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा पीछे से लेकर के लाइन चालू हुआ है और आगे तक पूरा लाइन है। यहाँ पे लगभग 500-600 लोग जो हैं, 600 पीपल स्टक कर गए हैं, बाहर बाहर से आए हुए हैं, जिनको खाने का कुछ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, होटल वगैरह नहीं खुला हुआ है। तो आज हम लोगों ने सोचा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए रेबर फाउंडेशन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा मैं रेबर फाउंडेशन के चेयरमैन का, असर पासा जी का, क्योंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि आपकी तरफ से आकर के इन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज हम महामारी में। देख रहे हैं लोगों का भीड़, देखें 600 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, अप्रोक्स मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 600 लोग होंगे। सारे लोग परेशान हाल हैं, खाने का कुछ नहीं है। कलकत्ता का वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल SSEM, जिसको आप PG हॉस्पिटल भी बोलते हैं। यहाँ पे सारे लोग जो भी हैं वो अपने पेशेंट को लेकर के आए हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके घर वाले लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सारे लोग यहाँ पे आए हैं पेशेंट को लेकर के, तो परेशान है। प्लस ये लॉकडाउन के कारण और भी ज़्यादा परेशान है। तो आप लोगों से गुजारिश है, इन लोगों के लिए दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेबर फाउंडेशन में चैरिटी करें, डोनेशन करें, जो कि हम लोग और भी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच सकें, जा सकें रेबर फाउंडेशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।